हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेंसुरल कप को देर तक लगाने से क्या होगा? काफ़ी लोग क्या करते हैं कि काफ़ी देर देर तक मेंसुरल कप को लगा के रखते हैं। इससे क्या हो सकता है, क्या नुकसान आपको हो सकता है? वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। देखिए, जो मेंसुरल कप होते हैं उनको उनका लगाने का भी एक टाइमिंग होती है। देखिए, जब अगर आपको ब्लीडिंग का फ्लो काफ़ी कम है या फिर लास्ट दिन है आपका पीरियड का, तब आप यूज कर रहे हैं तो इसको आप 11 से 12 घंटे तक लगा के रख सकते हैं। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपको ब्लीडिंग की फ़्लो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम ब्लड आपको आता है पीरियड के दौरान, तो आप इसे 11 से 12 घंटे तक लगा के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही है और आप इसको 12 घंटे के बाद भी निकाल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। यानी कि आपको 12 घंटे के बाद तो निकाल ही लेना चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो 6-7 घंटे में आप निकाल के चेंज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर लीकेज की दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ महिलाओं को फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन या फिर पूरे पीरियड के दौरान फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस केस में उनको दिक्कत आ सकती है लीकेज की और इन्फेक्शन होने की भी। देखिए, कुछ फीमेल क्या करती हैं कि उनको ब्लीडिंग काफ़ी कम हो रही है, जिस वजह से वो जो एक कप है इसको रिमूव नहीं करती हैं, काफ़ी देर तक इसको लगा के रखती हैं, 12 घंटे बाद भी रिमूव नहीं करती हैं, तो इस केस में होता क्या है कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। देखिए, जैसे आप जो पैड लगाते हैं वो आपसे बोला जाता है कि हर 4 घंटे में आपको पैड बदलना है, जिससे कि कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो और कैंसर जैसी घातक बीमारियां ना हो। देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है वो काफ़ी कॉमन हो गया है, काफ़ी फीमेल इस दिक्कत से जूझ रही हैं, तो खुदा ना खास्ता आपको ये प्रॉब्लम हो, इसके लिए आपको जो ये मेंसुरल कप है वो 12 घंटे से पहले पहले ही रिमूव कर लेना चाहिए, चाहे आपको ब्लीडिंग का फ्लो काफ़ी कम हो। उसके बाद आप इसे अच्छे से स्ट्राइल करके उसके बाद दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। अगर आपको पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है तो दोबारा से आप इसको लगा के रख सकती हैं, लेकिन आपको वॉश ज़रूर करना है। जब भी आप दोबारा इसे यूज कर रही हैं, लगा रही हैं, तो वॉश करना है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये जाके आपके सर्विक्स वाली एरिया में फिक्स होता है, और सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुँह उस टाइम पर खुला हुआ होता है, ताकि जो बच्चेदानी का जो भी ब्लड है वो अच्छे से आ सके इस कप में। तो कहने का मतलब है, बच्चेदानी का मुंह खुला होने के कारण आपको इन्फेक्शन अगर होगा तो इन्फेक्शन काफ़ी धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचेगा और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और सीरियस कंडीशन इसमें हो जाती है। तो याद रखें, आपको 12 घंटे के बाद जरूर इसे निकाल के स्ट्राइल करना चाहिए। स्ट्राइल टेक्निक यानी कि धोने की स्ट्राइल टेक्निक मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट मेंसुरल कप्स वाली प्लेलिस्ट से भी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कोई भी सवाल है नीचे कॉमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।